हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम सीखेंगे कि हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम कैसे बात करें, किस तरह से क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और उनका हम आंसर कैसे दें। आई होप ये वीडियो बहुत सारे लोगों के काम आएगा, मे बी आ भी सकता है, आई डोंट नो, लेकिन फिर भी मैंने एक थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक करिए और कमेंट करके बताएं कि ऐसी वीडियो आप फ्यूचर में चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मे बी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि इंटरव्यू देना चाहते होंगे या दे चुके होंगे या अभी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, इंटरव्यू है, राघव है जो कि लड़का है, वो इंटरव्यू देने जा रहा है, और इंटरव्यूअर जो कि बात कर रहा है, जो उसका इंटरव्यू ले रहा है। ठीक है, राघव, मे आई कम इन सर? सर है तो सर बोलेंगे, अगर लेडी है तो मैडम। ठीक है, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो इंटरव्यूअर क्या कह रहा है, प्लीज। राघव, मे आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूं? इंटरव्यूअर, या श्योर, हाउ आर यू, तुम कैसे हो? राघव, सर आई एम फाइन, एंड यू? ठीक है, उसने आपका हाल पूछा है तो आपको भी उनका हाल पूछने के लिए आई एम फाइन एंड यू जल्दी से साथ में ही पूछना है। ठीक है, इंटरव्यूअर क्या कहता है कि आई एम गुड, डू वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें? ठीक है, कि इंटरव्यू शुरू करें, डू वी स्टार्ट? राघव कहता है येस सर। इंटरव्यूअर, व्हाट इज योर नेम? सबसे पहले उसने कहां से स्टार्ट किया, उसके नाम से। राघव क्या कह रहा है, सर राघव शर्मा, आपका जो भी सर नेम होगा वो आप उसके साथ लगाएंगे अपने नेम के साथ। ठीक है, इंटरव्यूअर, ओके राघव, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ इंक्लूडिंग योर फैमिली बैकग्राउंड, कि तुम अपने आप अपने बारे में मुझे कुछ बताओ और उसके साथ साथ अपनी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि तुम कहां से हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। ठीक है, तो राघव क्या कह रहा है कि सर माई नेम इज राघव शर्मा, आई बिलोंग टू दिल्ली, कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 2011, और आपने जहां से भी ग्रेजुएशन की है उससे शहर का नाम और कौन से ईयर में की है वो सन आप यहां पे ईयर मेंशन करेंगे। ठीक है, वी आर फाइव मेंबर्स इन फैमिली, आपके परिवार में जितने भी मेंबर हो उनके आप नंबरिंग यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको आप अपने अकॉर्डिंग उसको मोल्ड करेंगे। माय फादर इज इन प्राइवेट जॉब, और जिनके फादर जो जो करते हैं वो यहां पर आप मेंशन कीजिएगा। मैंने यहां पे क्या लिखा है, माय फादर इज इन प्राइवेट जॉब, माय मदर इज अ हाउस वाइफ। नॉर्मली मोस्टली क्या होता है, जो मदर्स हैं वो हाउस वाइफ ही होती हैं। ठीक है, बहुत रेयर होता है जिनकी मदर्स बाहर काम करती हैं या जॉब करती हैं, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, मेरा एक भाई है और एक बहन है। आपके जितने भी भाई बहन होंगे वो आप यहाँ पर लिखिएगा। बोथ आर यंगर टू मी, दोनों मुझसे क्या है, छोटे हैं। बोथ आर यंगर टू मी एंड परसुइंग ग्रेजुएशन, और क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कहाँ से, डी यू इट सेल्फ, मीन्स डी यू से ही कर रहे हैं। ठीक है, माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग क्रिकेट। सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी आप अपनी हॉबीज लिखते हैं तो इसके बारे में आप सोच समझ के लिखिएगा, क्योंकि क्या होता है कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ऐसी हॉबी लिख देते हैं लेकिन उसके बारे में उनको कुछ भी पता नहीं होता है ना, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं इंटरव्यू देने के लिए, जब इंटरव्यूअर पूछता है हॉबी के बारे में तो वो चुप हो जाते हैं, ज्यादा उनको नॉलेज ही नहीं होता। तो हॉबीज लिखने से पहले आप चार बार सोचो कि आपको उसके बारे में कोई नॉलेज है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे उसने क्या लिखा है, माय हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, अब आपने कोई, कौन सी बुक आप रीड करते हो, कोई नॉवल है, स्टोरीज हैं, कौन सी बुक है, उसके नाम पता होने चाहिए। प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट के जितने भी प्लेयर्स हैं और उसके क्या क्या होता है वो भी आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अपनी हॉबीज को यहाँ पे मेंशन कीजिएगा सोच समझ के। ठीक है, अब इंटरव्यूअर क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है वो, यू हैव डन बीए और बीएससी, कि तुमने बीए की है या फिर बीएससी की है। राघव, सर आई हैव डन बीए, अब आगे देखिए वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने बीए करी है, विच वॉज योर फेवरेट सब्जेक्ट, अब उसने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो कौन सा था, तो उसने क्या लिखा, हिस्ट्री। आप भी सोच समझ के लिखिए अगर आपको उसके बारे में कोई नॉलेज हो तो। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ अशोकास फादर, अब देखिए उसने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया,
क्या तुम बता सकते हो अशोक के फादर का क्या नाम है? मीन्स हिस्ट्री में होता है ना, अशोका का फादर है ना, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। सर आई कांट रिमेम्बर नाउ, ठीक है, मैं अभी मुझे मैं याद नहीं कर सकता। एक्चुअली इट्स बीन 3 ईयर्स, ठीक है, एक्चुअली मीन्स कि इट्स मतलब कितने 3 साल हो गए हैं हैविंग डन अ ग्रेजुएशन, मीन्स ग्रेजुएशन किए हुए। सो डोंट रिमेम्बर मच, कि ज्यादा याद नहीं है। इट आई थिंक इट वॉज बिंदुसार, कि मुझे लगता है कि उनका नाम था बिंदुसार, ठीक है, वो भी उसने कहा कि आई थिंक, मुझे लगता है। तो इंटरव्यूअर क्या कह रहा है कि आर यू कॉन्फिडेंट, क्या तुम्हें विश्वास है? राघव कहता है नॉट सो श्योर, मैं पक्का नहीं हूं, ठीक है। अब उसने सच बोला, उसको नहीं आता था तो उसने ये आंसर बोल दिया, है ना, सच बोला उसने। तो उससे इंटरव्यूअर क्या होता है, इंप्रेस होता है। अगर आप ज्यादा बड़ा चढ़ चढ़ाकर कुछ गलत बोलेंगे ना, तो उनको लगता है कि ज्यादा स्मार्ट बन रहा है, ठीक है। आप हमेशा सच बोलो, जो पता है उसके बारे में बताओ, जो नहीं पता उसको इस तरह से हैंडल करना सीखो, ठीक है। राघव कहता है नॉट सो श्योर, कि पक्का नहीं है। इंटरव्यूअर इट्स ओके, ठीक है, उसने बोला इट्स ओके, कोई बात नहीं। डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट अ कॉल सेंटर इज, कि क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि कॉल सेंटर क्या है? अब उससे वो क्वेश्चन कर रहा है ना, ये देखिए क्या आंसर दे रहा है राघव। उसने पूछा कि कॉल सेंटर के बारे में कोई आइडिया है, उसने बोला कि सर कॉल सेंटर इज अ प्लेस, ये एक वो जगह है जहां वेयर कॉल्स आर ईदर रिसीव्ड, या तो रिसीव की जाती हैं या फिर की जाती हैं, ठीक है, या की जाती हैं या फिर रिसीव की जाती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस, इनबाउंड एंड आउटबाउंड, इसकी नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। जो लोग कॉल सेंटर में जॉब लेना चाहते हैं उनके लिए ये इंटरव्यू मैंने तैयार किया है, लेकिन आप जहां भी जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपना इंटरव्यू रेडी कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। इंटरव्यूअर डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, आगे वो पूछता है कि आपको कोई काम का एक्सपीरियंस है, पहले आपने कहीं काम किया है? राघव नो सर, आई एम अ फ्रेशर, मीन्स फ्रेशर मीन्स मैं अभी फ्रेश हूं, नया हूं, मैंने कहीं काम नहीं किया। उसने बोला कि नहीं सर, आई एम अ फ्रेशर। इंटरव्यूअर डिड यू एवर ट्राई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, कि क्या तूने कभी ट्राई किया है गवर्नमेंट जॉब, सरकारी जॉब के लिए कभी ट्राई किया है? यस सर आई डिड, हाँ मैंने किया। आई हैड रिटन द टेस्ट फॉर रेलवेज एंड इंडियन नेवी, कि मैंने रेलवे और इंडियन नेवी के पेपर दिए थे, लिखे थे, बट आई कुडंट गेट थ्रू, मैं सफल नहीं हो सका, ठीक है। इंटरव्यूअर डू यू थिंक कॉल सेंटर इज अ गुड करियर ऑप्शन, क्या पूछ रहे हैं वो, कि तुम्हें लगता है कि कॉल सेंटर एक अच्छा करियर का ऑप्शन है? राघव क्या कहता है कि यस सर, कॉल सेंटर इंडस्ट्री इज अ बूमिंग इंडस्ट्री, ठीक है, ये कॉल सेंटर का जो उद्योग है ये बहुत ही फलता फूलता, बूमिंग होता है फलता फूलता उद्योग है, बूमिंग इंडस्ट्री है। कॉल सेंटर आर प्रोवाइडिंग, ये हमें प्रदान कर रहा है गुड सैलरी पैकेज, फैसिलिटीज लाइक मील्स, खाना दे रहा है, खाने की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट, आने जाने की फैसिलिटी एंड ऑल। सो आई थिंक आई कैन ग्रो हेयर, मुझे लगता है मैं यहां पर ग्रो कर सकता हूं, ठीक है। इंटरव्यूअर क्या कहता है, कैन यू टेल मी एनी डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग इन कॉल सेंटर, मतलब अगर उसने सही बातें भी बोली हैं तो नेगेटिव भी वो सुनना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि सामने वाला कैसे इसको एक्सप्रेस करता है, कि नेगेटिव कुछ बोलता है या नहीं। आगे देखते हैं कि राघव क्या कहता है। उसने क्या बोला कि शिफ्ट्स आर रोटेशनल, कि जो शिफ्ट होती हैं डे और नाइट की, वो क्या होती हैं, घूमती हैं, ठीक है, शिफ्ट्स आर रोटेशनल, बट आई कैन मैनेज, कि मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। फिर भी उसने क्या बोला कि मैं मैनेज कर सकता हूँ। इंटरव्यूअर क्या कह रहा है कि आई लाइक योर एटीट्यूड, कि मुझे तुम्हारा ये जो बर्ताव है ये बहुत अच्छा लगता है। वेल आई थिंक यू कैन डू अ गुड जॉब, मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे से जॉब कर सकते हो। गुड लक राघव, ठीक है, सी यू सून, जल्दी मिलते हैं, गुड लक। उसने लास्ट में क्या बोला कि गुड लक राघव, सी यू सून। आगे राघव ने क्या बोला, थैंक यू सर। बस इसी पे उनकी जो कन्वर्सेशन है वो स्टॉप हो जाती है। आगे डिपेंड करता है कि इंटरव्यूअर आपके घर लेटर भेजता है या नहीं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा गाइज, और बहुत लोगों के लिए क्या पता ये हेल्पफुल भी हो। अगर हो तो प्लीज मैसेज करके बताएं कि कैसी लगी, और लाइक जरूर करें, शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुंचे, ताकि वो भी इंटरव्यू में सक्सेस हो पाए। गॉड ब्लेस यू एंड जय सियाराम।